हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम कॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सोल्व करने वाले हैं 2022 का VNSGU यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो लास्ट ईयर ही पूछा गया है, जिसमें FM 11 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे उसमें भी कमर्शियल बैंक के शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द सूरज बैंक लिमिटेड प्रिपेयर शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, मतलब 13 नंबर का शेड्यूल है वो हमें, उसमें कौन कौन सी नीचे दी गई पर्टिकुलर इसमें से एंट्री आएगी वो हमें बताना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो 13 नंबर का शेड्यूल हमारा आता है P&L में। P&L में भी इनकम के हेड में आता है, दो शेड्यूल इनकम के हेड में आती है, 13 नंबर का और 14 नंबर का, जिसमें पहला है इंटरेस्ट अर्न एंड 14 नंबर का है अदर इनकम। मतलब जो हमारी इंटरेस्ट अर्न है वो हमारी इनकम है, मतलब जिस भी पर्टिकुलर में नीचे जो एंट्री दी गई है उसमें इंटरेस्ट शब्द जो इनकम के बिहाफ में यूज़ किया होगा वो सारी एंट्री शेड्यूल नंबर 13 में आएगी। और जो कमीशन ब्रोकरेज है, सेंड्री इनकम है, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, ऐसी जो प्रॉफिट वर्ड है या फिर इनकम वर्ड है ऐसा सब यूज़ किया होगा तो वो आएगा हमारा अदर इनकम, मतलब 14 नंबर के शेड्यूल में, वो यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है 13 नंबर के शेड्यूल इंटरेस्ट अर्न में जहाँ पे आपको इनकम के लिए इंटरेस्ट शब्द यूज़ किया हो इंटरेस्ट, वही एंट्री है वो 13 नंबर के शेड्यूल में आएगी। तो चलो हम देखते हैं। पहला है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, मतलब इसमें हमारी इनकम तो है लेकिन इसमें इंटरेस्ट शब्द यूज नहीं किया है तो हमारी ये आएगी 14 नंबर के शेड्यूल में, मतलब यहाँ पे नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस बिल्स, मतलब ये हमारी इनकम भी हुई और यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया है इंटरेस्ट, मतलब ये यहाँ पे आएगी 13 नंबर के शेड्यूल में। नीचे है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटर बैंक डेप्ट, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट हमें मिला है जो हमारी इनकम है, हमने इंटर बैंक डेप्ट किए है उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, हम तो इसमें भी इंटरेस्ट शब्द यूज़ किया है वो हमारी इनकम है तो ये भी यहाँ 13 नंबर के शेड्यूल में आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द लैंड, मतलब हमें लैंड को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है लेकिन ये हमारी इनकम तो है लेकिन ये 14 नंबर के शेड्यूल में आएगी क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शब्द है वो यूज़ नहीं किया है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगी। नीचे है सन्ड्री इनकम, ये भी हमारी इनकम है लेकिन ये भी आएगी 14 नंबर के हेड में, यहाँ पे नहीं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा ही माइनर सा फ़र्क है अदर इनकम और इंटरेस्ट अर्न दोनों शेड्यूल में, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट शब्द दिया हो वो 13 नंबर के शेड्यूल में आता है और जिसमें इंटरेस्ट शब्द नहीं दिया हो और हमारी इनकम होती है वो 14 नंबर के शेड्यूल में आती है। फिर आता है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट शब्द यूज़ किया है और ये हमारा इनकम है तो ये भी आएगी 13 नंबर के शेड्यूल में, मतलब इसी में। सेल्फ़ डिपॉजिट वॉल्ट रेंट, मतलब हमें इसमें भी हमें रेंट मिला है सेल्फ़ डिपॉजिट पे तो ये हमारी इनकम है लेकिन इसमें इंटरेस्ट शब्द यूज़ नहीं किया है तो ये आएगी 14 नंबर के शेड्यूल में, मतलब यहाँ पे नहीं आएगी। एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये भी हमारी इनकम ही है और इसमें इंटरेस्ट शब्द यूज़ भी किया है तो ये आएगी हमारी 13 नंबर, मतलब इसी शेड्यूल में आएगी। तो टोटल हम देख लेते हैं इसमें हमें कितनी एंट्री की। इसमें टोटल हुई हमारी फर्स्ट तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस बिल्स जो 13 नंबर इसी में शेड्यूल में आएगी, दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटर बैंक डेप्ट, देन आफ्टर थर्ड हमने देखा ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट जो इसमें आएगी, एंड जो लास्ट है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब बाकी आपने जो चार एंट्री है वो 13 नंबर के शेड्यूल की है और बाकी जो नहीं आने वाली ये चार एंट्री है जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ वो एंट्री चार है वो हमारी 14 नंबर के शेड्यूल में आती है। अगर आपको पूछा है 13 और 14 दोनों तो आप ये 14 नंबर के शेड्यूल में बाकी की चार एंट्री आती है और ये जो राइट मार्क किया है वो हमारी 13 नंबर के शेड्यूल में आती है। तो आपको ऐसे शेड्यूल बना के दिखा देने का है, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल इसमें चार एंट्री आती है उसका टोटल करके दिखा देना है 5,20,000
20,000 उसका टोटल होता है। तो ये सम यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकेंड 2022 का FM11 का सम देख रहे हैं, उसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सतनाम बैंक लिमिटेड प्रिपेयर शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न, मतलब लाइबिलिटी और प्रोविज़न का शेड्यूल नंबर 5 जो हमें यहाँ पे बनाना है। ये शेड्यूल हमारा फर्स्ट हेड में मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आता है, लास्ट लाइबिलिटी का शेड्यूल है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविज़न। देन आफ्टर हम सारी एंट्री देखते हैं कौन सी शेड्यूल 5 में आएगी और बाकी जो नहीं आ रही है वो कौन से शेड्यूल में आएगी। तो फर्स्ट है हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये हमारा इसी शेड्यूल में आएगी। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब कि जो डिविडेंड हम कस्टमर को देने वाले, अपने शेयर होल्डर को देने वाले हैं, उन लोगों ने मांगा नहीं है लेकिन फ्यूचर में कभी भी वो डिमांड कर सकते हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास वो डिविडेंड रेडी होना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है डिविडेंड पे करना, मतलब अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो इसी फाइव नंबर के शेड्यूल में आएगा। फिर है लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, लोन हमने ली है स्टेट बैंक से, वो हमारी बोरोविंग मतलब हमारी लाइबिलिटी ही हो गई, लेकिन वो आएगी चार नंबर के शेड्यूल में। बोरोविंग नाम का चार नंबर का शेड्यूल है लाइबिलिटी का, उसमें आएगी, मतलब ये नहीं आएगी इसमें। नॉन बैंकिंग असेट हमारी असेट है जो आएगी अदर असेट में 11 नंबर के शेड्यूल में, वो भी यहाँ पे नहीं आएगी। देन आफ्टर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, हमने पहले वीडियो में भी देखा था उसमें क्रेडिट बैलेंस दिया था लेकिन यहाँ पे हमें डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब क्रेडिट हो तो हमारा इस 5 नंबर के शेड्यूल में आता है लेकिन डेबिट बैलेंस है इसलिए हमारा ये आएगा 11 नंबर के शेड्यूल में अदर असेट में, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। स्टेशनरी और स्टैम्प हुई हमारी अदर असेट में 11 नंबर के शेड्यूल में आएगी, मतलब वो भी यहाँ पे नहीं आएगी। टैक्स पेड इन एडवांस, हमने टैक्स एडवांस में पे किया है वो भी हमारे असेट साथ 11 नंबर के शेड्यूल में आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट, ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट वो हमारी लाइबिलिटी हो गई और ये 5 नंबर मतलब इसी नंबर के शेड्यूल में आएगी। डिबेंचर्स वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब असेट साइड 8 नंबर के शेड्यूल में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी वो हमारी असेट हो गई जो फिक्स असेट के शेड्यूल में मतलब 10 नंबर के शेड्यूल में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। लास्ट है डिमांड ड्राफ्ट, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है यहाँ पे ट्रैवलर चेक दे दिया हो सकता है या फिर ओवरड्राफ्ट सीसी कुछ भी दिया हो सकता है, वो सारा हमारा 5 नंबर मतलब इसी शेड्यूल में आएगा। तो हमने देखा कि बाकी सारी एंट्री भी किस में आती है और ये 5 नंबर के शेड्यूल में कौन कौन सी एंट्री आती है। तो इन शॉर्ट में हम देख लेते कौन कौन सी आई। फर्स्ट तो हम अनक्लेम डिविडेंड, देन आफ्टर आया हमारा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट, लास्ट डिमांड ड्राफ्ट। ये चार एंट्री है, ये तीन ही एंट्री है जो इसमें शेड्यूल 5 में आएगी, बाकी की एंट्री इसमें नहीं आएगी। तो मैंने कैलकुलेट किया है ऐसे, शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन हमें बना देना है और उसमें ऐसे पर्टिकुलर और रुपीस बना के शेड्यूल बना के हमें दिखा देना है और उसका टोटल आ जाता है 5,75,000। इसमें ज़्यादातर हमें 3-4 शेड्यूल ही है जो शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जा चुके हैं या फिर जा सकते हैं। पहला तो है ये शेड्यूल नंबर 5, देन आफ्टर शेड्यूल नंबर 11 जो अधेर असेट का शेड्यूल है वो भी बार बार पूछा जा सका है या फिर जा सकता है। देन आफ्टर हमारा आता है, हमें अभी सोल्व किया वो 13 नंबर का शेड्यूल भी बार बार पूछा जा चुका है और जा सकता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम में बहुत माइनो सा फ़र्क है जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, इसलिए 13 और 14 नंबर का शेड्यूल भी बार बार पूछते हैं। मतलब आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3-4 शेड्यूल है जो मैं बता रही हूँ कि पहले तो 5 नंबर का शेड्यूल, फिर है 13 नंबर का शेड्यूल, फिर है 11 नंबर का शेड्यूल और लास्ट में है 14 नंबर का शेड्यूल जो बार बार पूछा जा चुका है, और यही आपको कर लेना चाहिए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कमर्शियल बैंक में मोस्टली आपके के 5 मार्क्स जो शोर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
एंड आपको अगर हेल्पफुल हुआ है तो आगे भी और भी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।